हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता जेमी रेसिपीज। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा नाश्ता बनाएंगे जिसमें मैदा नहीं है, आटे का इस्तेमाल किया गया है और साथ में ये प्रोटीन रिच भी है क्योंकि इसमें हमने मूंग दाल का इस्तेमाल किया है। तो इस रेसिपी को आप घर पर ज़रूर से ट्राई करें और घर पर ट्राई करने के लिए इस रेसिपी को आप ज़रूर से एंड तक देखें। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कप मूंग दाल को 2 घंटे के लिए सोख करके रखा था, वॉश कर लिया है मैंने उसको अच्छे से और आप देखिए ये अच्छे से भीग चुकी है। तो हमने सारा पानी अच्छे से ड्रेन कर लिया है और उसको एक मिक्सी जार में ले लिया है। तो हमने पानी ऐड नहीं किया है और ऐसे ही दाल को दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। तो अभी हम इस दाल की पेस्ट को एक परात में निकाल देंगे और उसमें मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी ले रही हूँ। करीब 2 टेबलस्पून मैंने घी लिया है मोयन के लिए और मैंने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट किया था उसे ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स ले रही हूँ। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप रेड चिली पाउडर भी ले सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने जीरा और 1 टीस्पून अजवाइन लिया है, इसे भी मैं हाथों से क्रश करके ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर लिया है और पिंच हल्दी ली है। हल्दी आप स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड किया है और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैं फाइन रवा ऐड कर रही हूँ। तो इन सभी चीज़ों को हमें एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले। तो इसको हम हाथ से ही बढ़िया से मिक्स करेंगे ताकि सब इवनली मिक्स हो जाए। और थोड़ा सा हाथों से हमें इसे फेंटना भी है ताकि दाल एकदम हल्की हो जाए। तो अभी हम इसमें ज़रूरत के अनुसार आटा ऐड करेंगे। करीब 1 कप आटा ही जाएगा पर हम थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है। जो दाल का पेस्ट है उसी से हमें आटा लगाना है। तो जितना आटा हम इसमें आ सके उतना लेना है। तो 1 कप आटा इसमें लग गया है और हमें थोड़ा सा हार्ड ही आटा रखना है। तो 5 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे और 5 मिनट रेस्ट करने के बाद हम इसको अच्छे से बेल लेंगे, एक बड़ा सा रोटी बना लेंगे। अगर आप इसको लेयर्ड मठरी बनाना चाहें तो आप उसको वैसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको प्रिक कर रही हूँ रोटी को ताकि ये फूले नहीं। और एक मोल्ड से मैं यहाँ पे इसको इवनली पूरी का शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो कटोरी या ग्लास से भी कर सकते हैं। और अगर आपको इसको लेयर्ड बनाना है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर या राइस फ्लोर और घी का मिश्रण करके आप इसका लेयर्ड मठरी भी बना सकते हैं। पहले भी मैंने आपके साथ एक लेयर्ड मठरी का रेसिपी शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने मीडियम हॉट ऑयल में इसको 1 बाय 1 ऐड किया है और इसको मीडियम हॉट ऑयल में हम मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से कुक होने देंगे। हल्के हाथों से धीरे धीरे प्रेस करेंगे ताकि ये फूले नहीं। और आप देखिए कितना बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अगर आप इसमें हल्दी ऐड नहीं करोगे तो ये हल्की सी वाइट होगी। और थिकनेस हमें पूरी की मीडियम ही रखना है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी। तो आप देखिए ये कितनी बढ़िया दिख रही है। और जब ये गर्म हो तभी हमें इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करना है। चाट मसाला ऐड करने से ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप इसे अच्छे से ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रख सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। तो आप देखिए हम घर पर ही कितनी आसानी से इसे बना सकते हैं और ये बाहर के टोस्ट और बिस्किट के मुकाबले में ये बहुत ही हेल्दी है। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें। और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।